रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, माय नेम इज राना राशिद, आई एम योर इंग्लिश टीचर। इंग्लिश क्लास 10th में आज करेक्ट यूज ऑफ वर्ब एक्सरसाइज नंबर 2 करेंगे हम। एक्सरसाइज नंबर 2 में दो टेंसेस इस्तेमाल हो रहे हैं, एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और दूसरा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से मुराद वो एक्शन जो मौजूदा वक्त में शुरू हुआ और मौजूदा वक्त में ही मुकम्मल हो चुका हो, वहां पर हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इस्तेमाल करते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की फॉर्मेशन हमारे पास सब्जेक्ट हैज हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट होता है। ऑन द अदर हैंड परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस से क्या मुराद है कि वो एक्शन जो मौजूदा वक्त में शुरू हो और जारी हो और उसमें कुछ वक्त भी मेंशन किया गया हो, वो कहलाएगा हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की जो फॉर्मेशन बनेगी, सब्जेक्ट has, have, been, work के form, object, for, since और उसके बाद time दिया गया होता है। Number one sentence है कि I dash already dash 3 cups of coffee। यहाँ पर हमारे पास verb दिया हुआ है take। Already यानी कि वो action मुकम्मल हो चुका है मौजूदा वक्त में, तो present perfect tense लेकर आएंगे। I have already taken 3 cups of coffee। I dash you since Monday। यहां पे वर्ब है हमारे पास not see। सोमवार से नहीं देखा है, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा। I have not seen you since Monday। My brother dashed me for 10 years। Not right, not right। इसको हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लेकर आएंगे तो बन जाएगा माई ब्रदर हैज नॉट रिटर्न टू मी फॉर 10 ईयर। शी डैश फ्रेंच फॉर ओवर 2 ईयर। यहां पर हमारे पास वर्ब है लर्न। She has been learning. She has been learning French for over 2 years. The book that on the table for we like. L I E like. यहाँ पर L I like से मुराद है पढ़े हुए होना। The book that on the table for we. किताब हफ्तों से मेज पर पड़ी रही है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में द बुक हैज बीन लाइंग ऑन द टेबल फॉर वीक। ही डैश्ड मी सिंस मार्च। नंबर 6 का जो वर्ब है हमारे पास नॉट स्पीक। नॉट स्पीक। He has not spoken to me since March। Dear student, next हमारे पास sentence number 7 है। Sentence number 7 है कि she dash since morning। She dash since morning। अब यहां पे हमारे पास जो वर्ब है वो वर्ब हमारे पास बन जाएगा नंबर 7 पे थ्री। इसको हम कॉन्टेक्स्ट में लेकर आएंगे तो क्या बन जाएगा, शी हैज बीन स्लीपिंग सिंस मॉर्निंग। नंबर 8, हाउ लॉन्ग डैश यू डैश हियर। वेट वर्ब हमारे पास वेट। हाउ लॉन्ग हैव यू बी वेटिंग हियर। ही डैश इन द सन फॉर एन आवर। 10 प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टेंस आ जाएगा कि ही हैज बीन स्टैंडिंग
in the sun for and off. She has in this office for 7 years. Work. She has been working in this office for 7 years. Did anything change? Morning. Not eat. They have not eaten anything since morning. Next word was they dash already left their hometown. Number 12. Do. They have already done their hometown. Number 13. I already dash the letter post. I have already posted the letter. Number 14. The fire dash at night for 2 hours. Burn. For 2 hours आ गया, जिसका मतलब कॉन्टिक्स में लिख रहे हैं, the fire has been burning at night for 2 hours. You dash since morning. Rest. You have been resting since morning. Dear student, ये थी exercise number 2 जो के ग्रामर बुक में पेज नंबर 163 पर दी हुई है। आई होप कि आप इसको अपनी बुक में फिल कर लेंगे, और इसके बावजूद अगर कोई बात समझ में ना आई हो तो मैं व्हाट्सएप पर दस्तियाब हूँ। अल्लाह हाफिज़।